नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आम जनता के बीच सवाल लेकर पहुंच रहे हैं डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए। क्या जनता कहती है गुरु राम रहीम जी के बारे में? सवाल सीधा जनता से, सूत्रों के हवाले से, कोई खबर नहीं देंगे, कोई न्यूज़ नहीं, सीधी सवाल, सीधी रिपोर्टिंग आपको लोगों की दिखाएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी सिंह है जी। हैप्पी सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हो आप? डेरा सच्चा सौदा के बारे में यही जानते हैं हम, जब से सिरसा में रह रहे तब से डेरा बहुत अच्छी संस्था है और काफ़ी भलाई के कार्य कर रहे हैं। तो शुरू से देखते रहे, काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। नशा छुड़वाया था गुरुजी ने, जो कि आप देख ही चुके हो, बहुत चल रहा है अब आजकल के सिरसा में। तो पहले चिट्टे का नाम नहीं था सिरसा में, और अब बच्चा बच्चा चिट्टे का नशा कर रहा है, गांजा हो गया, बहुत नशा चल रहा है, बहुत गंदा गंदा। तो बहुत बदल चुका है गुरुजी के जाने के बाद सिरसा, काफ़ी बुराइयों में जा रहा है। तो यही देखा जाए तो गुरुजी का अब होना बहुत ज़रूरी है जी। सर, गुरुजी ने किस तरह के काम किए थे देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए? जो गुरुजी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सब जो लोग जानते हैं गुरुजी कैसे थे उनके बारे में। तो उन्हें जो सफाई भलाई का कार्य किया, वैश्यों को बेटी बनाया उन्होंने, और नशा छुड़वाया सबसे बात, और वही नशा देखने मेन मुद्दा बना पड़ा है, जो कि सरकार भी उठा रही है नशा घटाया जाए, लेकिन नशा कम नहीं हो रहा। क्योंकि गुरुजी आएंगे तो नशा कम होगा, गुरु जी थे तो नशा कितना कम था, 5-10% था, अब आप देख सकते हो उड़ता पंजाब था, बोड़ता हरियाणा, अब ये चल रहा है जी। तो मेरा तो यही मानना है कि गुरु जी जल्द से जल्द आना चाहिए और नशा खत्म होना चाहिए। लेकिन सर, गुरु जी के ऊपर तो रोप लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या मानना? गुरु जी पर रोप लगाया जा रहा है, वो सामाजिक रोप है जो कि उठाया जा रहा है कि गुरु जी ने ये कर दिया, गुरु जी ने वो कर दिया। लेकिन हम सिरसा से जुड़े हैं, सिरसा में रहने वाले हैं, मैं बचपन से जुड़ा हूँ गुरु जी से, 5 साल से, तब से मुझे पता है डेरा कैसे, गुरु जी कैसे। मैं नहीं मान सकता ये आरोप सही है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। तो फिर आपका क्या मानना है, लड़कियों की सुरक्षा कैसी है वहाँ? लड़कियों की सुरक्षा डेरे में एकदम मस्त है एकदम, और ये सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं देखने मिल सकती। जैसा कि आप देखते हो आजकल कई हॉस्टल, आपको पता ही होगा कैसे होते हैं, लेकिन डेरे के हॉस्टल में ऐसा नहीं है, डेरे के हॉस्टल एकदम बढ़िया। फिर सर, इस तरह से क्यों किया जा रहा है गुरु जी के साथ ही, गुरु जी के ऊपर ये गलत आरोप क्यों लगाया जा रहा है? ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वही जो नशा बेचने के, नशे के व्यापारी हैं, उनके किया दर है सब कुछ, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर नशा इकट्ठा होगा या नशा जहाँ पे एक जगह होगा तो वहाँ उसके व्यापारी ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने गुरु जी को हटाने के लिए ही उनके भी ये आरोप लगवाए। क्या ज़रूरत है गुरु जी की समाज को? गुरु जी की, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर गुरु जी होंगे तो सिरसा सुधार सकता है इंडिया का। पहले स्वच्छ भारत अभियान चलाया, अब आप देख सकते हो हर जगह गंदगी है, जगह जगह मांस शराब चल रहा है। तो वही, इसलिए मेन मुद्दा तो ये कि गुरुजी की बहुत ज़रूरत है सिरसा में, हरियाणा में, पूरे इंडिया में ज़रूरत है। विदेशों में गुरुजी गए, विदेशों को सुधार के आए, अब बस सिरसा में भी बहुत ज़रूरत है। तो मेरी तो यही मांग है कि गुरुजी का आना बहुत ज़रूरी है। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से तो ये अपील कर सकते हैं कि गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि हमारा सिरसा भी सुधर सके, इंडिया सुधर सके, और भारत का जो भी अभियान चल रहे हैं 132 मानवता भलाई करें, वो जल्द से जल्द चालू हो जाएंगे, फिर से दोबारा वैसे वैसे से निरंतर चलने लगेंगे। थैंक यू सो मच। लगातार लोग दर्द भरी मांग जो समाज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि समाज को बहुत सजा मिल रही है जब से गुरु जी समाज के अंदर नहीं है। लोग लगातार बता रहे हैं कि इस तरह से समाज के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है, मांस बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि समाज के अंदर सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की सख्त ज़रूरत है। सोचिएगा जरूर, सजा समाज को मिल रही है चाहे एक संत को। और अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।